ऑक्सीजन एक कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस होती है। कुछ ऐसे संकेत हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है, जैसे कि शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होना, SpO2 लेवल का कम होना, सांस लेने में परेशानी होना या फिर सांस फूलना। ऑक्सीजन देने के कई तरीके होते हैं, जो कि निर्भर करता है कि बच्चे को ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है। ऑक्सीजन देते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि वाइटल साइंस SpO2 देखते रहें और इसके साथ ही ब्रीदिंग पैटर्न भी देखना है। बच्चे की उम्र के अनुसार ऑक्सीजन डिवाइस का चयन करना है और हमेशा नई डिवाइस ही प्रयोग करना है। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान हमें बच्चे की नॉस्ट्रिल्स को देखते रहना है कि ऑक्सीजन की वजह से कहीं कोई इंजरी तो नहीं हुई है। ऑक्सीजन देने के लिए हमें कुछ आर्टिकल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऑक्सीजन सोर्स जिसमें सेंट्रल सप्लाई और ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस जिसमें मास्क, नेजल प्रॉम्प्स और ऑक्सीजन हुड होता है। एडहेसिव टेप टू सिक्योर द ट्यूब, एक कटोरी में पानी, किडनी ट्रे to discard the waste, torch to check the patency of the nostrils, swab sticks nostrils clean करने के लिए, spirit swabs, gauze pieces to clean the tubings, pulse oximeter oxygen की मात्रा देखने के लिए। Oxygen देने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि nasal cannula, nasal prongs, simple face mask, oxygen hood, partial rebreathing mask, non-rebreathing mask और वेंचुरी मास्क। नेजल कैनुला, यह सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका होता है। इससे 24-40% FiO2 डिलीवर करते हैं और इसमें फ्लो रेट 1-5 लीटर पर मिनट होता है। नेजल कैनुला डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है, जैसे कि एडल्ट, पीडियाट्रिक और इन्फेंट साइज। सिंपल फेस मास्क, यह 40-60% FiO2 डिलीवर करता है। इसमें ऑक्सीजन का फ्लो रेट 5-10 लीटर पर मिनट होता है। फेस मास्क नेजल कैनुला से ज्यादा आसान और सुविधाजनक होता है। ऑक्सीजन हुड एक प्लास्टिक बॉक्स होता है जिसमें वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होती है। यह हम छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं, जो कि खुद से सांस ले सकते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में उन्हें बाहर से ऑक्सीजन देने की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हुड से हम 80-90% FiO2 दे सकते हैं और इसमें फ्लो रेट 8-10 लीटर पर मिनट होता है। पार्शियल रिब्रीदिंग मास्क, इसमें रिजर्वायर होता है पर वॉल्व नहीं। इसमें 60% FiO2 डिलीवर करते हैं और इसमें फ्लो रेट मोर देन 6 लीटर पर मिनट होता है। नॉन रिब्रीदिंग मास्क, इसमें फेस मास्क के साथ रिजर्वायर होता है और वन वे वॉल्व भी होता है। इसमें FiO2 मोर देन 90% डिलीवर कर सकते हैं और फ्लो रेट 8-10 लीटर पर मिनट होता है। वेंचुरी मास्क, यह अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है, जिसके अकॉर्डिंग FiO2 डिलीवर करते हैं। देने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मरीज की सही पहचान करें, उसके बाद बच्चे को और उनके परिजनों को अपना परिचय देंगे और ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। इसके बाद हमें फिजिशियन का ऑर्डर देखना है और सही ऑक्सीजन डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और अगर बच्चा बड़ा है तो उसे सेमी फाउलर पोजीशन देंगे। ऑक्सीजन देने के लिए सबसे पहले आर्टिकल्स अरेंज करेंगे, इसके बाद हाथों को अच्छे से धोएंगे, मरीज को आरामदायक पोजीशन देंगे, जैसे कि सेमी फाउलर या फाउलर्स पोजीशन। नोस्ट्रिल्स को स्वैब स्टिक से क्लीन करेंगे, हम नेजल प्रॉन्ग्स को O2 सोर्स से कनेक्ट करेंगे। अब हम नेजल प्रॉन्ग्स को नाक में लगाएंगे, और फ्लो रेट को 2-4 लीटर पर मिनट पर सेट करेंगे और ट्यूबिंग को कान के पीछे से ले जाकर फिक्स कर देंगे और नेजल प्रॉन्ग को एडहेसिव टेप से फिक्स करेंगे। गॉज पीस का यूज करेंगे जिससे कि इंजरी ना हो। ऑक्सीजन
और मरीज के वाइटल साइंस और SpO2 मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क को O2 सोर्स विद ह्यूमिडिफायर से कनेक्ट करेंगे। अगर हम पार्शियल और नॉन रिब्रीदर मास्क यूज कर रहे हैं तो हमें रिजर्वॉयर को कम्प्लीटली फिल करना है। अगर वेंचुरी मास्क यूज कर रहे हैं तो हमें सही अडाप्टर डिवाइस सेलेक्ट करना है और ऑक्सीजन देना है। इसके बाद हम O2 ट्यूबिंग को बाउल ऑफ वाटर में डिप करेंगे और पानी में बबलिंग को चेक करेंगे। अब हम फेस मास्क को पेशेंट के मुंह और नाक को कवर करते हुए लगाएंगे और ट्यूबिंग को सर के पीछे फिक्स कर देंगे और मास्क को बच्चे के फेस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और साथ ही साथ वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे और मरीज को आरामदायक पोजीशन देंगे। ऑक्सीजन हुड, सबसे पहले ऑक्सीजन हुड को नॉर्मल सलाइन स्वैप से क्लीन करेंगे। इसके बाद ऑक्सीजन ट्यूबिंग को ऑक्सीजन सोर्स विद ह्यूमिडिफायर से कनेक्ट करेंगे और फ्लो रेट सेट करेंगे। ट्यूबिंग को ऑक्सीजन हुड से कनेक्ट करेंगे और ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन हुड बच्चे के चिन, नेक और शोल्डर को टच ना करे और इस प्रक्रिया के दौरान हमें वाइटल साइंस और SpO2 मॉनिटर करते रहना है। हम आर्टिकल्स रिप्लेस करेंगे और हैंड वॉश करेंगे और पेशेंट के वाइटल साइंस, SpO2 और कंडीशन कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। हमें पेशेंट के नोस्ट्रिल्स को देखना है कि कहीं ड्राइनेस और इरिटेशन तो नहीं हुआ है। अब हम टाइम, ऑक्सीजन का फ्लो रेट और पेशेंट की कंडीशन रिकॉर्ड करेंगे। ऑक्सीजन देने के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मास्क को ड्राई और क्लीन रखना है, माउथ को हर 2 से 3 घंटे में क्लोरहेक्सिडिन या फिर बीटाडीन से क्लीन करना है, ह्यूमिडिफायर का पानी डेली बदलना है और हो सके तो ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स भी हर 2 से 3 दिन में चेंज करना है।